गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, इन अवर टुडे साइंस क्लास वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट द केमिकल चेंजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिवाइज दैट। अ चेंज इन विच कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस गेट चेंज्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। तो ऐसा कोई भी चेंज जिसमें किसी भी सब्सटेंस का कंपोजिशन और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं उसे हम केमिकल चेंज बोलते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। सो अनदर थिंग टू आइडेंटिफाई केमिकल चेंजेस इज कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसमें एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू बर्न अ पेपर इट विल कन्वर्ट इंटू ऐश। सो पेपर को बर्न करने के बाद जो ऐश फॉर्म हो रही है वो एक न्यू सब्सटेंस है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस। अब अगर हम केमिकल कंपोजिशन दोनों का देखें, मींस पेपर का और ऐश का, तो दोनों का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट होगा, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। केमिकल चेंजेस अकर ओनली अंडर प्रॉपर कंडीशंस। एंड वन मोर थिंग टू आइडेंटिफाई केमिकल चेंजेस कि जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उसके लिए उसे परफेक्ट प्रॉपर कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। मींस अगर आप पेपर को बर्न कर रहे हो तो सबसे पहली बात कि पेपर जो है उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। दूसरी बात, ऑक्सीजन का प्रेजेंस मस्ट है ना। पेपर अगर गीला है तो वो जलेगा नहीं, है ना। और अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तब भी पेपर नहीं चलेगा। तो केमिकल चेंजेस ऑलवेज अकर अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस, प्रॉपर कंडीशंस। नाउ टुडे वी विल सी फ्यू एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन केमिकल चेंजेस। फर्स्ट वन इज़ गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर, ब्रिंग द टिप नियर द कैंडल फ्लेम, इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट वाइट लाइट। When it is completely burned, it leaves behind a powdery ash. तो अगर हम मैग्नीशियम स्ट्रिप लेते हैं और उस स्ट्रिप को अच्छे से हमें पहले सैंड पेपर से घिस लेना है, उसके बाद हम उसे जलाएंगे। जब हम उसे जलाना शुरू करते हैं तो हमेशा वो एक वाइट लाइट के साथ बर्न करता है। मीन्स वैसे तो जनरली हम कोई भी चीज़ जलाते हैं तो ऑरेंज, येल्लो एंड ब्लू फ्लेम हमें देखने को मिलती है, बट मैग्नीशियम स्ट्रिप जब बर्न होती है तो वो एक वाइट लाइट के साथ बर्न होती है और कुछ ही देर में एक पाउडरी सब्सटेंस में वो स्ट्रिप कन्वर्ट हो जाती है, मीन्स राख बन जाती है। डज द ऐश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। अब अगर हम मैग्नीशियम रिबन और ऐश को कन्वर्ट करें, जो मैग्नीशियम से ऐश बनी है, तो क्या दोनों एक से हैं दिखने में? ऑब्वियसली नॉट। स्ट्रिप जो है उसका कंपोजिशन डिफरेंट है और जो उससे राख बनी है उसका कंपोजिशन डिफरेंट है। सो मैग्नीशियम स्ट्रिप को बर्न करने के बाद जो उसमें रिएक्शन हुई है, सो दैट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, दैट इज़ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हेन इट इज़ बर्न्ड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मींस वो जो राख बनी है दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ कलेक्ट द ऐश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। मीन्स अब आप उस ऐश को कलेक्ट करेंगे और उसका एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लेंगे पानी मिला करके। स्टर द मिक्सचर एक्वस सॉल्यूशन वेल, टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। उसके बाद वो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का, या हम बोल सकते हैं जो मैग्नीशियम की राख है, उसका जो हमने सॉल्यूशन बनाया पानी में मिला के, हम उसको ब्लू और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। मीन्स हमें ये टेस्ट करना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो एसिडिक है नेचर में या फिर बेसिक है। Does the mixture turn red, litmus blue, or it will turn blue litmus red? So magnesium oxide को जब आपने water में मिलाया तो वो magnesium hydroxide बन जाएगा। So we have to test whether magnesium hydroxide is acidic in nature or is it basic in nature. So my dear students, magnesium hydroxide is basic in nature, means it will turn red litmus blue. अब इसी टेस्ट को और आगे हमें कंटिन्यू करना है। ऑन डिजॉल्विंग द एश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। जो आपने पानी मिला करके मैग्नीशियम ऑक्साइड एश में जो आपने सॉल्यूशन बनाया था उसको हम
इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की हमने ऐश ली, उसमें वाटर ऐड करा, प्लस वाटर, सो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. एज यू ऑलरेडी नो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम. जब हमने मैग्नीशियम बर्न किया तो उसने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड. और हमने जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स किया तो कौन सा न्यू सब्सटेंस बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. दस हमने पूरी एक्टिविटी में क्या देखा कि जब हमने एक सब्सटेंस को मीन्स मैग्नीशियम को बर्न किया था तो उससे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था जिसका केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल ही डिफरेंट था मैग्नीशियम स्ट्रिप से. और आगे जब हमने इस रिएक्शन को कंटिन्यू किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमने वाटर मिक्स करा, इससे क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. सो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट था. नाउ लेट्स सी अनदर एक्टिविटी बेस्ड ऑन केमिकल चेंज. सो डिजॉल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अबाउट हाफ अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और अ बीकर. एट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन. तो हमें क्या करना है, हम कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल्स लेंगे, उसको वाटर में ऐड करेंगे और थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे बीकर में, तो हमें एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा. सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल, ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन, वेट फॉर हाफ एन आवर और सो. अब हमें इस सॉल्यूशन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है जो हमने ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाया था. तो एक जो हाफ पार्ट है, एक बीकर में जो हमने हाफ लिक्विड लिया है उसमें हम एक यूज्ड शेविंग ब्लेड या कोई भी नेल डाल देना है. तो बेसिकली हमें कोई भी आयरन से बनी हुई चीज़ उसके अंदर डालनी है. नाउ जस्ट वेट फॉर हाफ एन आवर एंड देन यू कैन सी द कलर चेंज. ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैम्पल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली. डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन. तो हमने जिस सॉल्यूशन में हमने ब्लेड या फिर नेल डाला था, हमें देखना है कि उसमें क्या कलर चेंज हुआ. इट विल टर्न इन टू ग्रीन कलर सॉल्यूशन, ठीक है, और उसका जो कलर होगा वो कॉपर सल्फेट का जो हमने सॉल्यूशन बनाया था उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो हमने सॉल्यूशन बनाया था वो ब्लू कलर का था. अब उस सॉल्यूशन में से हमको ब्लेड या नेल जो भी हमने यूज़ किया था उसको बाहर निकाल देना है. देयर विल बी अ चेंज इन द कलर ऑफ द आयरन सब्सटेंस ऑल्सो, वो भी थोड़ा सा रस्टी हो जाएगा, येलोइश कलर उसके ऊपर थोड़ा सा आ जाएगा, और जो हमारा सॉल्यूशन बना था वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसमें आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया है. आयरन की नेल हमने डाली थी ना, आयरन का ब्लेड हमने यूज़ किया या नेल यूज़ करी थी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर सल्फेट और आयरन में रिएक्शन हो जाएगा और यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, दैट इज़ आयरन सल्फेट. एंड रिएक्शन कुड बी रिटन लाइक दिस, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्लस आयरन गिव्स आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर. जो कॉपर है वो ब्लेड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा आकर के, इसीलिए उसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउनिश सा हो जाएगा, ठीक है. तो कॉपर जो है वो ब्लेड पे आकर के सेटल्ड हो जाएगा और जो कॉपर सल्फेट में सल्फेट था वो आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना लेगा. न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ओवर हियर. नाउ लेट्स सी वन मोर एक्टिविटी बेस्ड ऑन केमिकल चेंज. टेक अबाउट अ टीस्पून फुल ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब, एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट. यू वुड हियर अ हिसिंग साउंड. तो हम जब भी विनेगर, वाइट विनेगर का यूज़ कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा हमें बेकिंग सोडा जो हम घर में यूज़ करते हैं खाने वाला सोडा वो हमें उसके अंदर डालना है. तो जब हम विनेगर में बेकिंग सोडा डालेंगे तो एक हिसिंग साउंड होगी, है ना, गैस फॉर्म हो जाती है उसमें, तो उससे हिसिंग साउंड होगी. एंड यू विल सी द बबल्स ऑफ द गैस कमिंग आउट. पास द गैस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर. तो हमें इस गैस को वेस्ट नहीं जाने देना है. क्या करना है, पाइप के थ्रू इसको हम लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे. लाइम वाटर मीन्स चूने के पानी के साथ हम इसे रिएक्ट करवाएंगे. सो वॉट विल हैपन टू लाइम वाटर. सो लाइम वाटर जो है क्या होगा, उसमें भी कुछ चेंज होगा, दैट इज लाइम वाटर विल टर्न मिल्की. लाइम वाटर जो है वो दूध की तरह
सफ़ेद हो जाएगा। इसमें पानी और चूना वैसे अलग अलग होता है, लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये जो गैस इवॉल्व हुई थी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे लाइम वाटर के साथ सो इट विल टर्न मिल्की। नाउ व्हाट इज़ द रिएक्शन दैट टुक प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब? विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, सो इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस अदर सब्सटेंस। इसके बाद जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे सो इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। लाइम वाटर जो था वो मिल्की क्यू टर्न हो गया था, बिकॉज इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट में टर्न हो गया था। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, विच मेक्स द लाइम वाटर मिल्की। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर into milky is a standard test for carbon dioxide. तो अगर हमें carbon dioxide के लिए test करना है, generally जो laboratories में conduct किया जाता है for the test of carbon dioxide gas, तो वो यही test है कि इसको lime water से pass करके देख लिया जाता है। अगर lime water milky हो रहा है तो that means it is carbon dioxide gas. So that's all in this video for today. Thank you. Have a nice day.